Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Mirza Malik Show powered by Spotify. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत एक्साइटिंग हैं और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से. बहुत ही प्यारा कपल है. They are in fact a power couple. She is beautiful. She is one of the most famous actresses in Pakistan with some amazing roles. And he is an amazing singer, very talented. And very loving husband. Let's welcome our guests for tonight's show, Falak Shabbir and Sara Khan. Assalamu alaikum. Welcome. Welcome. Thank you for coming to our show. Please have a seat. Assalamu alaikum. Kaise hain aap? Kaise sir? Please aaye. Please. Thank you for coming to our show. Aap log ठीक है ना, सियालकोटी और लाहौरी जब मिल जाते फिर फानी होता है, लाने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए ना मैं सीधा आपसे फलक क्वेश्चन पूछता हूँ. फलक, द सॉन्ग दैट मेड यू द राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, जिसका मतलब कोई ऐसा एक गाना जिसने आपकी टोटली गेम चेंज कर दी हो. 2011 में मैंने एक सॉन्ग किया था जिसका नाम था इजाजत, और ये पंजाबी सॉन्ग था. I love that song. और हुआ, सुनाएंगे वो गा के. हुआ कुछ यूं था कि मैं बिल्कुल सुनाता हूँ आपको, मैं उसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी सुना दूँ. जब मैंने वो गाना गाया उस दौर में, आपको पता है कि हम लोगों, मतलब मैं नया नया था तो हमें कोई सपोर्ट करता नहीं था एज इन उस लेवल पे कि चैनल्स भी आपको, बड़े स्टार को सपोर्ट करते थे. सो हमारे पास एक यूट्यूब भी होता था तो उस पर हम लोग वो अपलोड कर देते थे. आप उस वक्त जब मैंने वो गाना अपलोड किया था तो मुझे पहली कॉल, गाने के हिट होने के बाद जो पहली बड़ी कॉल आई थी वो मुझे इंडिया से आई थी, टी सीरीज से. और उन्होंने उस गाने की बेस पर फिर मैंने 3 गाने बॉलीवुड के गाने इंडिया में जाके गाए थे. सो मेरे लिए वो बहुत, मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट थे वो वाले, और जिसमें मुझे लगता है इजाजत वॉज बिग हिट इन माई लाइफ. तो थोड़ा सा जरा आप गा के सुनाए प्लीज. बिल्कुल सुना देते हैं. ऐसे दुखी गाना है, मैं चाह रहा था कि इतने हसीन लोग बैठे हुए तो दुखी गाना गाना नहीं चाहिए. हमारे बच्चे घर पे हैं. हाँ, मैं तो दुखी हूँ. तो रोएंगे नहीं वो. एक बारी आजा घर फेरा पाजा, कोई लब के ले आ दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवां दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर नाई, हाय वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, कितने वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कितियां संग रातां कड़ियां, ओ भुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी, एक वारी आ जा घर फेरा पा जा, कोई लभ के ले आ दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवां दुहाई, उस बेकदर नू मेरी कदर ना आई, हाय क्या बात है. वाओ, सो ब्यूटीफुल. ये तो मुझे अब, मैंने पहली बार सुना है. आई मुझे अभी, मुझे मेरी Spotify लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा ये गाना. आपकी पंजाबी अगर अच्छी है तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. मेरी पंजाबी बहुत बुरी है लेकिन फिर भी, लेकिन गाना अच्छा है. इसलिए मुझे कुछ कहना हो जिस पे गुस्सा आता है तो मैं पंजाबी में कहता हूं. मैं समझ नहीं, उनको ये नहीं पता कि मुझे समय समझ लेती हूं, बोल नहीं पाती. अभी तो सी एक्सप्लेन कर दिया करो क्या मतलब है. नहीं, डंडियां तो बगैर काम सही है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब हमारे पास कुछ छोटे सवाल है जिसके क्विक आंसर्स होंगे. ऑल यू हैव टू डू इज पॉइंट एट ईच अदर.
ठीक है, तो फोन सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? ये हर कपल में औरत ही एक्चुअली एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आज इनके इंस्टाग्राम के 10 मिलियन कंप्लीट हो गए फैंस, सो ये आप अंदाजा कर सकती हैं कि कितना फोन यूज करती हैं होंगी। आपको बुरा तो नहीं लगता? मुझे 10 मिलियन ऐसे तो नहीं आए ना। उसकी उसकी रीजन ये कि जब मेरी शादी मतलब हमारी बातचीत चल रही थी, सो इसको सबसे ज्यादा डर ये था कि यार कहीं मैं ऑब्जेक्शन ना लग जाए काम की। सो मैं बेसिकली स्ट्रगल से गुजरा हूँ और वैसे लकीली ये नहीं गुजरी, मुझे इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई भी है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि जो इंसान इतनी इतने अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी है, उसके इतने चाहने वाले, इतना प्यार करने वाले लोग हों, और आप उसको कहें यार आप घर में, ये वही बात है कि एक डॉक्टर ने पूरी डॉक्टरी की और आप उसको कह रहे हैं जी आप घर में बैठ जाएं। सो ये भी वही वाला प्रोफेशन है। तो मैंने इनको फिर पूरा कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं आप जो दिल करना चाहता है करें। सो इसलिए मुझे इनके ना सोशल मीडिया से फ़र्क पड़ता है ना इनके काम से कोई फर्क पड़ता है, बस मुझे ये होता है कि अगर ये इस काम में खुश है तो फिर हम भी खुश हैं। जबरदस्त सर, क्या हस्बैंड है आप तो मिसाल हैं। ये 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 बार बार प्ले करना चाहिए वैसे। अच्छा। ये आपकी नजर करम है, लेकिन मेरी मेरे ख्याल से हर हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, अनलेस कि कुछ कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो घरेलू रहना चाहती हैं, जो घर से नहीं निकलना चाहती, वो उनका अपना ओपिनियन है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये चाहती हैं कि चाहती हैं क्या मतलब इन्होंने अचीव कर लिया है सब कुछ, और अगर ये चाहती है कि मैं इसको कैरी ऑन करूं, तो ऑफ कोर्स ये इसका राइट है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इसीलिए ना मैं अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं और दोनों के लिए, ठीक है, कौन अच्छी डेट नाइट्स प्लान करता है? वो तो नजर ही आ रहा था। अभी हम कल गए हुए थे डेट नाइट पे, कल ही गए हुए थे, बल्कि उसकी भी पिक्चर शेयर करेंगे जल्दी अपने फैंस के साथ। ज्यादा भूलने की किसको आदत है? अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं है इसको। इसको है, कभी कभी इंसान भूल जाता है बातें। बिल्कुल नहीं, ये भूल एक्चुअली होता है क्या कि कुछ लोग होते हैं ना जो जो अपने फायदे की बात होती है ना वो याद रखते हैं। सो ये वाली बातें सारी याद रहती हैं, लेकिन जो कोई काम की बात हो वो भूल जाती है। आपको जल्दी पता चल गई। यस, मुझे मुझे ऐसे लगता है पटरी से नहीं उतरना है, मैं पटरी पे हूँ पक्की वाली। ज्यादा रोमांटिक कौन है? देखे मैं एक राइटर भी हूँ, मैं कंपोजर भी हूँ, मैं अपना म्यूजिक भी बनाता हूँ, मैं यू नो मतलब एक आपको पता है कि जो म्यूजिक से प्यार करता है ना वो रोमांटिक ही होते हैं वो लोग, ज्यादा जो ज्यादा म्यूजिक लवर है। वैसे तो ये म्यूजिक सुनती है लेकिन इतना नहीं जितना हमें पैशन है म्यूजिक से या प्यार है। सो मुझे लगता है म्यूजिक सुनने वाले लोग ज्यादा रोमांटिक होते हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूंगी, ज्यादा गिफ्ट्स कौन देता है? आई थिंक मुझे इसका आंसर पता है। पता है आपको? फलक। मैं डेली देता हूं। मैंने आज तक फलक मैंने आपको कुछ दिया है आज तक? नहीं, आपने पियानो दिया था? ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? लेकिन मैं भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे हर चीज अपनी जगह पे, चीजें काम पे, हर चीज वैसे अच्छा लगता है। मैं होटल में भी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, अपने रूम में भी सारी चीजें सेटल, लेकिन आलियाना के बाद मैं ऑर्गेनाइज नहीं रह पाई। मैं भी आप ही की तरह हूं, वरना नींद नहीं आती अगर कोई चीज जगह पे ना पड़ी हो ना, पता लगता ज़हन में फंसा रहता क्या वो शूज मैंने उधर उतारा था। इसको आप दोनों को मैं बता दूं, इसको बीमारी कहते हैं ओसीडी। अच्छा, ये भी है वैसे। आप मुझे और एक दो लोगों ने ये बात बोली है पहले भी, और इसको और दूसरे अपने रिलीजन में ये भी कहते हैं सफाई रिलीजन में कौन सा कहते हैं? नहीं है, सफाई गंदा रहता है। मान है अगर आप अपने कमरे की सफाई रखेंगे, ये म्यूजिकल शो है, हम म्यूजिक तक रखेंगे। वैसे एग्जांपल सही बैठती है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। चलें, बातें तो होती रहेंगी। इसके साथ हमारा होता है फर्स्ट सेगमेंट खत्म और हम चलते हैं हमारी दूसरे सेगमेंट की तरफ, अंताक्षरी। ये हमारा सेगमेंट है फंताक्षरी। फलक, आप एक सिंगर हैं, आई एम श्योर आपकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है और स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट है, तो कुछ जरा कौन सा गाना आजकल जो आपका आपका ये स्पॉटिफाई में जो टॉप पे है? बहुत सारे गाने, एक नहीं,
बहुत कोई एक बताएं यार, एक बताना ज्यादती होगी, वो भी आप एक सिंगर से पूछ रहे हैं। मैं तो पूरी रात बता दें, दो तीन बताएंगे भी सोने के लिए ज्यादती होगी, क्योंकि 8 करोड़ से ज्यादा गाने। मैं प्ले लिस्ट में, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, जब मैं रात को सोने लगता हूँ तो मैं गुलाम अली खान साहब की एक गजल लगाता हूँ, चुपके चुपके रात दिन दिन। आप इतना प्यार करते हैं मौत और ये गजल सुनते हैं आप सोने से पहले। गाने की कोई लैंग्वेज, आपको पता है म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। कोई भी गाना हो, चाहे गजल हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे कोई भी हो, म्यूजिक म्यूजिक है। ऑन दैट म्यूजिकल नोट, लेट्स प्ले फंताक्षरी। एक क्लासिक गाना जिसमें सिंगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि अकेले मत जाना उसे अबैंडन करके। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम। नेक्स्ट क्लू है आप लोगों का, फर्स्ट वर्ड है जुल्म, याद सज्जाद अली का गाना है। हर जुल्म तेरा, एक सेकेंड याद है भूला तो नहीं ये जुल्म आप हम पर ना करें, ये क्या विस्पर कर रहे हैं, ये जुल्म आप सज्जाद अली पर भी ना करें, ये जुल्म आप सुनाए ना, लेकिन मैं जीत गई हूँ, आप फिर सुना दे। लेकिन रन्स आपको मिल गए हैं, लेकिन गाना आप सुनाएंगे ये वाला। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, याद रखना बस इतना याद है जुल्म। ठीक है, a song where a girl is claiming that if she gets her lover तू बात बन जाएगी। मैं रेडी हूँ, कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। मुझे लगता है जब आप खड़ी रहती हैं तो आपको गाने याद आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लू है आप लोगों का, 3 वर्ड्स हैं, नजरें मस्त बचना। नजरों से अल्लाह बचाए, माजवानों से अल्लाह बचाए। वेल डन, आपको मिले 10 पॉइंट्स फाइनली। अब एक गाना जिसमें सिंगर रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर वंस जस्ट से दैट यू बिलोंग टू हिम। सोचे कहो एक दिन मुझे पता था कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन। Well done. क्या हो रहा है जी? ये आपकी तरफ देखते हैं, हाँ? आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? और गाना खुद गा लेते हैं। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम भूल गया आगे क्या। मेरी तरफ मत देखो, इट्स योर फेवरेट लाइन, इधर उधर देख के गाओ, उधर देखो आप। नेक्स्ट क्लू, अ सॉन्ग वेयर मोमिना एंड आसिम आर सिंगिंग आई विल मिस योर लव माय हार्ट विल नेवर फॉरगेट। बहुत नया गाना है, इसमें आप लोग तो याद है यार, ये ना अभी तो आया था, अभी आया, भूल गया, बहुत वायरल हुआ था। किसने टैप किया था अभी? शुजा हैदर का गाना ये। एग्जैक्टली क्या गाना था? ये सारे गाने तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा, क्या हो गया सोचा ना था। दे दो रन्स। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। अच्छा, गाने के रन्स नहीं मिलते। ओहो, इसी के साथ आप जीत गए हैं फलक ये फंताक्षरी राउंड, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सारा, बट अनफॉर्चुनेटली आप हार गई हैं, लेकिन आप फिकर नहीं करें।
हैम्पर फिर भी मिलेगा। हैम्पर जो पलक का गिफ्ट हैम्पर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर से लेके आप ही को देना है, तो मैंने कहा मैं आप ही को दे दूं पहले से। दे सकते हैं बिल्कुल, आपको इजाजत है, मैं आप लोगों के आपको गिफ्ट हैम्पर दे। प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका, हम स्पॉटिफाई के शुक्रगुजार हैं। हम भी सारा, ये पहले आपके लिए। हम द मिर्ज़ा मलिक शो के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें दो दो हैम्पर्स दिए। बहुत शुक्रिया। ये फलक आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्पॉटिफाई की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी इवन तो आप नहीं जीती हैं लेकिन बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और अब चलते हैं पवेलियन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट के, उसका नाम है मीमोफाई। दिस इज जस्ट अ सोशल मीडिया सेगमेंट, तो हम कुछ बातें करेंगे आपसे सोशल मीडिया के बारे में, जो कि जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, जिसके आज इनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। तो आप बताएं, आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे रील्स करते हैं, आप कोई रोज वाली रील करते हैं, रोमांटिक रील्स करते हैं, तो इज दैट योर सिग्नेचर, लाइक आपको पसंद है रील्स करना, व्हाट इज योर टेक ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया वैसे तो आप आजकल है ही सब कुछ, जैसे उर्दू फ्लेक्स की बात कर लें तो आगे का फ्यूचर ही है, सो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। और जब हम भी अपना कोई सॉन्ग लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज़ आती है, और हमारे साथ जो फैंस हैं हमारे वो बड़े अटैच्ड हैं, वो एक एक चीज़ के हम बैठते कैसे हैं, खाते पीना ये वो सब क्या है हमारा। सो मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत पावरफुल चीज़ है, उसको बिल्कुल अच्छे वे में यूज़ करना चाहिए। प्लस मैं जो चीज़ें करता हूँ, जैसे मैं इनको फूल देता हूँ रोज़ या उसकी रील बनाता हूँ, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, वो इनकी मुस्कुराहट है। अच्छा, आप रोज़ फूल देते हैं? मैं ऑलमोस्ट रोज़ फूल देता हूँ। सो वो मुझे लगता है कि वो दिखाना चाहिए अपने फैंस को, ताकि आप एक ऐसा मैसेज दे सकें जो पॉजिटिव हो। और शायद मेरे से, और मुझे भी जो लोग मिलते हैं अक्सर, तो जब लड़कियां फैन मिलती हैं तो वो कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये हरकत करते हैं, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड मुझे भी फूल देते हैं। अच्छा। सो आपकी इस हरकत से हमें मिल जाते, तो चलें कुछ नहीं, मतलब वो एक दाना ही सही, कुछ पॉजिटिविटी चली जाती है सोशल मीडिया पे, तो अच्छा लगता है मुझे। बाकी आप और बता आपके जो बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं है मेरे पास, वैसे ही क्या बोलती है। नहीं, अच्छा जो, और ये तो होगी पॉजिटिव वाली, लेकिन उस पर काफी सारे वियर्ड लोग भी होते हैं, राइट, सोशल मीडिया पे, दैट इज द अगली साइड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं या ट्रोलिंग होती है, हम सबके साथ होती है, एंड रूमर्स होते हैं या जो भी कुछ होता है, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आप लाइक हाउ डू यू डील विद दैट? मैं पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेने लग गई थी कि मुझे अचानक से इतना हेट क्यों मिलने लग गया है, लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं, सबसे खास तौर पर कपड़ों पे बड़ा कमेंट करते हैं लोग आपके, ये क्यों पहन लिया, ऐसे क्यों बैठ गई, कपड़े क्यों कर। और अब तो बच्चे को मुझे सिखाते हैं कि मुझे अपनी औलाद को कैसे पालना है कि नहीं उसकी गर्दन ऐसे क्यों पकड़ी, उसको सर्दी लग जाए। ओ फला, ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जब मुझे मेरे बच्चे को कैसे पालना है ये सिखाते हैं। I also feel the same, मैं मुझे बोल लो, क्योंकि मैं तो अब मोटी चमड़ी हो गई हूँ। लेकिन बच्चे को बीच में लाना is just... अगर माँ से ज्यादा बच्चे को कौन ख्याल रख सकता है, तो वो सिखाने टीच करने लग जाते हैं एक एक पॉइंट पकड़ के। बाकी मैं इतना सीरियस नहीं लेती सोशल मीडिया को। चले हम आते हैं एक छोटी सी गेम पे, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम मीमोफाई है। आई विल गिव यू एक instance और आपको उसको enact करना है without saying anything. अच्छा, so we can make a meme out of it. So first question to you, Sara, when your husband understand your point, ये first आपको act करना है, versus when you lose an argument. The two different. वो पहले से ही अच्छा expression में तो माशाल्लाह है, ये तो जीत जाएगी ये वाला segment. मुझे लगता नहीं कि आप कोई आर्गुमेंट है नहीं माशाल्लाह, आर्गुमेंट तो शुक्र है हुए नहीं, लेकिन हो भी तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं। गल मुकाओ। वैसे भी हमारे शादी के बाद ये दूसरा इंटरव्यू है, सो बहुत ही कम हम बताते हैं, लेकिन वो वाकई जो कहते हैं ना नजर वाली बात, तो हम थोड़ा डरते हैं कि आप बताए ना, लेकिन आर्गुमेंट अभी तक कोई नहीं है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका क्रेडिट मैं इनको इसलिए दूंगी क्योंकि ये आर्गुमेंट आगे बढ़ने नहीं देते। चलिए एक्सप्रेशंस दें फिर आप प्लीज। तो ये वाला नहीं होता। पहला तो जब अगर ये मेरी बात समझ जाए तो फिर तो बड़ा रिलीफ होता है ना कि शुक्र है फलक। पहला जो निकलता है ना होता है ठीक है फलक,
क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ अगर कोई मेरी बात ही फौरन समझ जाए, जैसे शॉपिंग पे जाना हो या मुझे कुछ पसंद आ जाए, कुछ लेना हो, हमारा मैक्सिमम यही होता है. और दूसरा था अगर आर्गुमेंट मैं हार जाऊँ. जी, व्हेन यू लूज एन आर्गुमेंट. अगर मैं आर्गुमेंट मैं लूज कर जाती हूँ तो मैं एक जगह सैड जाके बैठ जाती हूँ बस. नहीं, एक और भी है. बस मेरा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता वो मैं बताऊंगा. अच्छा, क्या? अच्छा बताएं. फलक. बस. फलक. ये वाला बस इतना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने आज कहीं जाना था तो उससे पहले कुछ इनको चाहिए मॉल से या कुछ भी. सो मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है वापस आके ले लेते. फलक. बस ये वाला एक्सप्रेशन होता. क्या इसका मतलब? क्या कि इसका मतलब समझ नहीं आ रही. नहीं नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि पहले ये होगा फिर वो होगा. अच्छा आप बताएं फलक, one expression of when the crowd is responding to you versus when your crowd is boring. Crowd, yeah, Falak. नहीं ऐसा मेरे साथ. अब हम आपके crowd हैं. हम crowd हैं. कुछ cheer कर रहे हैं. तो मैं double jump कर रहा होता हूँ आगे. मेरा आगे से energy level उतना ही ज़्यादा होता है. होता क्या जब हम concert पे, especially अगर concert की बात कर रही हैं. नहीं ना, आप dialogue भी तो बोलते हैं जब crowd bore हो जाता है. हाँ मैं ये बोलता हूँ, वो तो डायलॉग है ना, वो एक्सप्रेशन नहीं है ना. मतलब मैं वो ये कहता हूँ कि यार लगता है आप लोगों ने कोई धरना वरना दिया हुआ है. हिल विल भी नहीं रहे ना, आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं. आप कह देते हैं ये. हाँ हाँ. मैं तो अगर मैं बताऊँ तो श्वेत भाई तो सियालकोट से हैं. सियालकोट में और फैसलाबाद में ना बहुत जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं. सो कोई फ़ैन अगर मुझे कोई बात बोल दे तो मैं स्टेज पर उसको जवाब देता हूँ उसका, और मैं इवन उसको बुला लेता हूँ वो स्टेज पे. चलिए आपकी और मेरी बनेगी फिर. कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट हुआ हो? बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते. हम लोग तो ज़ाहिर लाइव कर रहे होते हैं, दो दो घंटे स्टेज पे खड़े होना है, फिर सामने आपके 10,000-5,000 क्राउड है. सो बहुत सारे होते हैं. अब वो एक्सप्रेशन में बताना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ ना. अगर ये होती तो फौरन. इसीलिए मैं सारा से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द अवार्ड बट यू डोंट गेट इट. उसका जरा एक्सप्रेशन दें. एंड द एक्ट्रेस हु गेट्स इट इज नेक्स्ट टू यू. फिर तो ये होता है ना, आप फिर रेडी होते हैं और अनाउंसमेंट हो रही होती है और बैठे होते हैं कि मैं जाने वाली हूँ बार बार. ठीक है. फिर आपको जबरदस्ती तालियां मिल रही है. हाँ हाँ, यही डिजर्व करती है. सो डिजर्विंग. ये डिजर्विंग था. इसने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए. Another question to you, Sarah. जी. When you are away from your kid versus when she is in your arms. ये तो expression जैसे होंगे कि ये तो explain नहीं करते. बहुत naturally निकलेंगे. Away में तो मैं बहुत ही sad होती हूँ. मतलब मैं focus नहीं कर पा रही होती किसी चीज़ से. मैं zone out होती हूँ literally. मैं all the time तो face time पे होती है. क्या होगा क्या होगा. लेकिन जब वो मेरे पास होती है तो Literally, दुनिया फिर मेरे लिए. ये वैसे आपको बताना है expressions देके. आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप leading actress है. I am sure कि आप दिखा सकते हैं. आप उनको अपना बच्चा समझ लें. ये आलियाना है. अच्छा वैसे ठीक है ये. वैसे हमारा ये वाला प्यार भी नहीं है, बेबी और बच्चे वाला तो बिल्कुल नहीं है. हस्बैंड एंड वाइफ वाला प्रॉपर प्यार है. नहीं एक्सप्रेशन के लिए कह रही हूं. आई नो तो मैं समझ रहा हूं. उसके लिए गोद में सर रखना पड़ेगा. दिखाएं आलियाना है. ये आलियाना है. जब आलियाना होती है ना मैं ऐसे पकड़ती हूँ. और जब वो मेरी गोद में होती है तो फिर वो ऐसे होती है ऐसे. उसका गाल और मेरे गाल टच होना जरूरी होता है ऐसे. पर आजकल वो टीथिंग कह रही है तो बहुत सारी बाइट्स भी मिलती है. इतना काटती है वो. ये यहाँ काटती है. हाँ हाँ. ये नोज पे उठाती भी. मैंने कहा जॉ लाइन बन जाएगी अच्छी. कोई सर्जरी कुछ कराना नहीं पड़ेगा. That was really sweet. Thank you for sharing. इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है मीमोफाई. अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है यादों की बारात. हम बेसिकली आपको कुछ सिचुएशन देंगे, आपको उससे जो भी गाना आपके मन में आता है विद दैट सिचुएशन आप बस गा के सुना दीजिए. बहुत इजी है. ठीक, बहुत इजी है. इट्स वेरी सिंपल. आप उनके हिस्से की सारी चीजें कर. मैं करने के लिए तैयार हूँ. मैं करने के लिए तैयार हूँ. इतना मीठा तो ना बने, बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी लोगों की. पूछ लें इनसे, पूछ लें. इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही जा रहे हैं फिलहाल तो. किसने पहले प्रपोज किया था? मैंने. ऑफ कोर्स.
आप मुझसे ही पूछ ले क्वेश्चन, मैं जवाब दे देता हूं, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, किसने पहले हाँ कहा था? इन्होंने हाँ करके इनको प्रपोज किया। अच्छा सारा मुझे बताएं, अ सॉन्ग यू लव डांसिंग ऑन। अच्छा मुझे डांसिंग ही नहीं पसंद है। अच्छा। और मैं बहुत शाय इंसान हूँ, इवन अगर मैं कमरे बंद करने में भी हूँ तो भी मैं शाय हूँ, तो वहां भी मैं डांस नहीं कर तो सकती। कोई तो गाना पसंद होगा जिस पे आपकी ख्वाहिश है, हैप्पी मोमेंट्स पे, शादी पे, खुद की शादी पे। मेरा हाँ। अभी एक रिसेंटली मैं गाना शूट करके आया हूँ पंजाब में, वो उसका नाम है बिल्लो रानी, और मैं चाहता था कि उसमें सारा मेरे साथ एज ए उसमें मॉडल आए, थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा एक सिग्नेचर शॉट था, डांस था। बिल्लो रानी एक बिल्लो हमारा उसका पूरा वार्डरोब था, और तो मैं चाह रहा था कि इसको, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे इससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़ ये कर लो, गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा। किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो अच्छा, फिर मुझे चेंज करना पड़ा और फिर दूसरी। अच्छा तो मैं क्वेश्चन चेंज करती हूं, जब आप खुश होती हैं तो कौन सा गाना सुनती हैं? अच्छा मेरे मूड पे डिपेंड करता है। आजकल ना एक गाना है ब्लैक आइड पीस का, डोंट यू वरी, तो वो आलियाना को बहुत एक पसंद है। सुना दे। नहीं मुझे नहीं। तो बस मैं बता दे। हस्बैंड इतना बड़ा सिंगर हो तो एक लाइन तो बनती है। नहीं नहीं नहीं। और वो भी इसको इसलिए पसंद है कि वो आलियाना जब भी हम वो प्ले करते हैं तो आलियाना डांस। अच्छा वो डांस तो आजकल मैं वो हर वक्त सुनती हूँ, मैं और आलियाना। अच्छा फलक आप बताएं कि सॉन्ग यू वुड डेडिकेट टू योर यंगर सेल्फ, जब आप यंग थे तो। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं क्योंकि म्यूजिक तो अंदर है, वो पैशन है। और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल छोटी एज की भी बात करें ना, जैसे 10 साल का भी था मैं, तो उस वक्त भी गाने तो मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त स्टीरियो नेशन करके एक सिंगर आए थे, पूरा बैंड था शायद, वो एक गाना आज तक मेरे कानों में से नहीं निकला, वो मैं तो सुनाऊंगा। सुनाया दे। नचांगे सारी रात सोने ओए, नचांगे सारी रात सोने ओए, कर लो थोड़ा सा प्यार सोने ओए, कर लो थोड़ा सा प्यार। तो ये गाना आज तक मेरे माइंड से नहीं निकल सका। और मैं ये परफॉर्म भी बहुत फेमस, और ये वेडिंग्स में उस वक्त तो भरपूर बजता था, लेकिन अब मैं वो अपने कॉन्सर्ट्स पे भी गाता हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना। फलक आप ही से पूछ लेते हैं। क्योंकि ये तो गा नहीं रही। A song you always sing for Sara. अच्छा वो मेरा अपना ही गाना है। इनको पसंद आता है? बहुत रोमांटिक है। मैंने अपनी शादी पर गाया था, जब हमारा जिस दिन हमारा निकाह था उसके बाद हमने वो मैंने गाना इनके लिए गाया था, और वो गाना कुछ यूं है। जब आप गाएंगे ना तो सारा प्लीज थोड़ा सा सिंस आप एक्सप्रेशंस दे सकती हैं, आप एक्सप्रेशंस दे, हाथ पकड़ के गा, आप पता क्या करें, नहीं करें, एक्सप्रेशन देख ले, आपको तो मौका चाहिए, एक्सप्रेशन देख ले, मुझे अभी मैं आपको दिखाता हूं, सारा प्लीज ये एक्सप्रेशन आएगा, मुझे नहीं देगा। अच्छा दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी शो, प्लीज कैरी ऑन। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे ऊंट तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा। How nice. Very nice. Oy, how sweet. ये अगर ऐसे expressions आने थे तो भाई आप शुरू में ही गा देते यार। माशाल्लाह ये expression में तो आपको पता है। नहीं ये दिल से, ये दिल से निकले हैं ये वाले expression. She was so shy. इसके साथ यादों की बारात पूरी हुई, अब हम चलते हैं हमारे next segment में जिसका नाम है Rapid Fire. आप लोग रेडी हैं? रैपिड फायर में क्विक क्विक आपके पास रेडी टू रॉक 3 seconds है। हाय हाय हर जवाब देने के लिए 3 seconds। आपसे मैं शुरू करती हूँ फलक, इन 4 सिंगर्स में से आप किसके लिए ओपन करना चाहेंगे? एल्विस प्रेसली, पिंक, आलमगीर। 3 सिंगर्स हैं। आलमगीर। आलमगीर ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी है तो क्यों, व्हाई नॉट। Wow. Very good. अच्छा कोई 3 आप दोनों में से कोई भी सुना सकते हैं, इनको सुनाने दे क्योंकि एक गाना तो नहीं गाएंगी। टॉडलर के 3 लालबाई सुना दे या पोएम सुना दे। ये तो याद होंगी।
एक सुना देती हूँ जो आजकल फेवरेट है। नहीं, क्वेश्चन तीन का एक के सुनाना है। अच्छा, आप पॉइंट्स आ रहे हैं। एक्शन भी मेरे दिमाग में। हाँ, एक्शन भी है प्रॉपर। एक्शन के साथ। एक्शन। क्या? Open shut them. Open shut them. Open shut them. Give a little clap. Nusra. Of course, was famous. Baby shark did do. इसके एक्चुअल तो मुझे भी आते हैं. Baby shark did do. Or Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Amazing. Thank you. A female singer you would like to do a duet with? आपदा परवीन साहब. Amazing. 100%. An actress you want to cast in your song video besides her? मैंने पहले बोल दिया उंगली ऊपर जाने से पहले मैंने गाने कर चुके. अच्छा, मुझे honestly speaking, मैं जब किसी अब मॉडल के साथ खड़ा होता ना, मैं उस तरीके से एक्सप्रेशन नहीं देता जिस तरह मैं सिंगल लाइफ में देता था. अच्छा, नाम तो दे दे भाई. नहीं पाता, डर के मारे. इमेजिनरी नाम दे दें, वो बेचारी हंस रही है, वो नहीं गुस्सा होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. अभी रिसेंटली मैं उसका बोल भी रहा था तुम्हें कि उसको ले लेते हैं सॉन्ग में. अच्छा, मैं लिया नहीं ना बाद में मसला. नाम तो दे दे. कोई भी तीन एक्टर जो आपको पसंद. तीन एक्टर्स, तीन लड़के, एक ही. अच्छा, एक मैं विशाल. वो सिंगर भी हैं तो उनसे गवाह भी लेंगे साथ. अच्छा, एक लेजेंडरी एक्टर जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहते हैं या चाहते थे, जो अगर पहले के थे कोई. ये पाकिस्तान मूवीज की बात करें कि जो ड्रामा के लिए में मोहम्मद अली साहब. रैंक द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ योर लाइकिंग सारा, एंड योर ऑप्शंस आर इकरा अजीज, सबूर अली, रमशा खान, सोनिया हुसैन. सोनिया, इकरा, रमशा और सबूर. चारों इतनी अच्छी हैं, आपने मुझे फंसा दिया. मैंने डिप्लोमेटिक आंसर मैंने चाहिए. लेकिन हाँ, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात का. ओके. फलक, आपके लिए क्वेश्चन है. आलमगीर का गाना देखा ना था कि दो लाइन आप गा दे प्लीज. देखा ना था कभी हमने ये समा, सोचा ना था. दो लाइनें हो गई, आगे मुझे लिरिक्स नहीं आते, माजरा चाहता हूँ. अच्छा, ये आप दोनों से क्वेश्चन है, सोच के आपने जवाब देना है, लेकिन विद इन 5 सेकेंड. पाकिस्तान का यंगेस्ट सिंगर जिसको तमगा इम्तियाज मिला. आतिफ असलम. वाह वाह, इसे कहते हैं रैपिड फायर. He's a rock star, माशाल्लाह. उनको तो बहुत बहुत अर्ली एज में मिल गया था. आपको आतिफ असलम का सबसे फेवरेट गाना कौन सा? आतिफ असलम, मैं आपको बताता हूँ. आदत, क्योंकि वो क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मैंने उस गाने के ऊपर ऑनेस्टली बहुत गिटार बेचा है, क्योंकि मुझे बजाना ही वाला गाना आता था. तो गिटार शॉप थी मेरी, तो मैं आदत गाना गाता था और मेरा गिटार बिक जाता था. तो इतना माशाल्लाह वो गाना हिट था. और हम फॉलो करते थे, इसमें वो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने आतिफ असलम को सुन के, जैसे अली जफर हैं, आतिफ असलम हैं, लोगों को सुन के हम लोग यहाँ इस इंडस्ट्री में आए. और उस टाइम पे तो हम लोग बहुत फॉलो करते थे. ये 2005-04 की बात कर रहा हूँ मैं, और उस वक्त यही गाने सबसे ज़्यादा हिट थे. चलें, इसके साथ ख़त्म होता है हमारा ये सेगमेंट. ये था हमारा वार्म अप मैच. अब हम चलते हैं हमारे फाइनल मैच की ओर. ये गेम है जिसमें आप कैचेस करेंगे शोएब के साथ, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी. ठीक है, फौरन आपने जवाब देना है. आप ना बॉल ड्रॉप कर सकती हैं और आप जवाब भी ड्रॉप नहीं कर सकती, और आपको फौरन जवाब देने हैं. मेरे पास 7-8 क्वेश्चंस है. ठीक है, और आपने पूछा भी था अगर मैं जीत जाऊंगी तो क्या मिलेगा. हाँ. बहुत अच्छा हैम्पर मिलेगा. मेरे मुंह पे ना मार देना. अच्छा, आप विदाउट इनविटेशन शादी में गई हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू. आपने कभी किसी को प्रैंक नहीं किया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. आपने कभी किसी का गिफ्ट आगे किसी को पास नहीं किया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? जल्दी जल्दी. फेब. हाँ, फेब. व्हाट इज द कलर ऑफ, ड्रॉप हो गया. एक बार ड्रॉप है. व्हाट इज द कलर ऑफ पीस? व्हाइट. या
तीन काम जो बेडरूम में होते हैं सोना खाना और टीवी खाना कौन सा होता है बेडरूम में होता है बेड पे खाना खाने का अच्छा और खाना और सोना खाना और टीवी खाने का नाम है मुझे भूख लग गई इज्जत बचा ली तीन चीजें जो किचन में होती हैं खाना खाना और चाय किचन में चूल्हा भी होता है फ्रिज भी होता है खाना और खाना पकाना रात को स्नीक करना नो दिस पॉइंट यू डोंट गेट दिस डजंट मेक एनी सेंस अरे तीन दफा ड्रॉप हो चुकी हैं तीन दफा ड्रॉप हो चुकी है इसके साथ आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं पकाना होता है और सफाई बर्तन धोना जो कि तीनों काम नहीं करती हैं किचन में स्पून नाइव्स चूल्हा फ्रिज ओह आई थॉट हम क्या करते हैं किचन में हाय हार गई सुनना इसीलिए तो फेंकते हुए सुनना बहुत मुश्किल है अब आपने एक क्रिकेटर को मेरे आगे खा दिया चले ठीक है आपकी तीन बार ड्रॉप हुई है मैं इतने आराम से फेंक रहा था बॉल ये तो मेरी अम्मी भी कैच कर रही चले चले आपका पहला क्वेश्चन है आपने कभी किसी से लड़ाई नहीं की की है हाँ आप कभी सारा की बर्थडे नहीं भूले कभी नहीं भूला वो तो लग ही रहा है आपने कभी किसी स्टार को अनफॉलो नहीं किया किया है थ्री वर्ड्स जो सारा के नाम सुनते ही आपके जहन में आते हैं खूबसूरत हसीन मासूम हाँ मासूम है तो इसीलिए आपको झेल रही है ना तीन चीजें जो हम पॉकेट में रख सकते हैं वॉलेट वॉच मोबाइल वॉच आप पॉकेट में मैं रखता हूं रिस्क पे नहीं मैं मेरी मर्जी मेरी पॉकेट में रखूंगा गुड आंसर गुड आंसर ये थे आपके क्वेश्चन रैपिड फायर के वेरी वेल डन वेरी वेल डन आप जीत गए हैं बॉल आपकी ड्रॉप नहीं हुई आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं लेकिन लेकिन आप नाराज नहीं 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 ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं ऐसा एक ही मिलेगा नहीं आप तो अभी उनकी हंसी के लिए हर चीज करने के लिए रेडी थे मैं करने क्या लगा था आपने मुझे करने नहीं दिया बस ये जो मुझे मिलना था यही मैंने बस एक हैम्पर के लिए प्यार खत्म हो गया है देखिए मुझे आई एम श्योर आप भी यही चाहते हैं कि सारा को पहले मिले मैंने करना ये था आप लोगों ने एक देना था मैंने ये फॉरवर्ड कर देना था अच्छा तुझे कर नहीं दिया मनु आपका प्यार देखे इट वॉज रियली रिफ्रेशिंग एंड आपके एक्सप्रेसिवनेस देख के ऑल्सो इट वॉज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग आई एम श्योर कि बहुत सारे मर्द आपसे सीख सकते हैं कि बीवी से किस तरह प्यार करके उसको एक्सप्रेस करना आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक तब तक अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज थोड़ा फोकस करें आप सारा फोकस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तुम पर फोकस है बेगम थोड़ा गेम पे भी कर ले तौबा जी हमारे पास और भी गेस्ट आए थे लेकिन यू आर द फर्स्ट हस्बैंड जो कंप्लेन के बजाय तारीफें कर रहे हैं और मजे की बात बताऊं स्पॉटिफाई को ये एप्लीकेशन जो है ना फ्री में डाउनलोड हो जाती इसी तरह के मजेदार शोज देखते रहिए जबरदस्त कंटेंट वाले भूल गया था अक्सर हमारी पिक्चर्स में लोग कह रहे होते कि इतना हंस क्यों रही है इतनी लाफ क्यों है वाय वाय तो जब भी मैं इसको देखता हूँ शूट के दौरान पोज करते हुए हंसने लग गई थी मुझे नहीं देखे हाँ बस आंखों में आंखें ना डाले क्यों मैं बुखार हो गया उसको दोबारा लेंगे बुखार हो गया उसको मैं ऐसे बैठती हूँ शो पे आप लिंक दे बस दे बस लिंक कह रहे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो बताने वाला नहीं है जो आप जो मेरे पास जो याद है डिजिटल शो है अच्छा डिजिटल है लेकिन फिर भी बता नहीं है तो फिर ठीक है आने फिर भी नहीं बता सकते हम लोग बीप कर देंगे फिर तो और ज्यादा मसला लोग कुछ कुछ समझेंगे